और मेरे एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है फिर से। अब दिखाने वाला हूँ आपको दो मंदिर। ये था भाई मेन गेट, इब चलेंगे मंदिरों में, चार मंदिर यहाँ के और वे दिखाएंगे आपको। फॉरनर भी घूमने आ रहे हैं बहुत सारे। और ये है तालाब, ये भाई सोमेश्वर मंदिर का ही मंदिर है देखो यहाँ से। ये है फ्रंट गेट, ये दिखाते हैं आपको अंदर जाके कैसा क्या अंदर से। और ये स्तंभ बनाते हैं भाई, सबसे शिव जी की लगी हुई होगी यहाँ पर, जूते चप्पल नीचे उतार के। और ये शिव का मंदिर व्हाइट पत्थर से बनाया हुआ है, ये हमारे नंदी महाराज। ये देखो भाई मंदिर के पीछे का। और ये है मंदिर सोमेश्वर मंदिर है ये। ये अंकल जी भैया सफाई कर रहे हैं, 900 साल पुराना मंदिर है ये। और वो कहानी भाई अलग अलग की कहानी बनाते हैं सब। सोमेश्वर मंदिर से ये रास्ता और ये बाहर का आता है, और एक ये है। और ये यहाँ पर दो मंदिर बनाए हुए हैं एक साथ, एक गणेश का मंदिर है एक पता नहीं। और गणेश का मंदिर बोल रहे भाई बहुत पुराना मंदिर है, और बिल्कुल सही है पहले जैसा ही। ये भाई एक मंदिर के सामने तो आ गया और एक और रह गया, ये देखो। और ये खंडर हो चुका है, ये दुकानें हुआ करती थी पहले जमाने की, मतलब टाइम की। और ये स्तंभ बनाते हैं भाई साहब गणेश जी के, ये देखो भाई साहब गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है यहाँ पर। अब चलते हैं इस मंदिर के अंदर महाराज। ये देखो भाई छत, देखो भाई छत कैसी बनाई हुई पत्थरों से। यहाँ पर भी कोई मूर्ति नहीं है ना कोई रख रखाव, देखो शायद। ये देखो पहाड़ी के बीच ऊपर उस साइड भी भाई बहुत सी बिल्डिंग थी, अभी तो ढह चुकी है सब। अब चलते हैं उस मंदिर में, देखते हैं कौन सा मंदिर है। अभी मैंने आपको वीडियो में दिखाया ओम मंदिर, और अभी उसके बिल्कुल पास में है ये मंदिर। और वो देखो आपको बाणगढ़ का किला दिखाई दे रहा होगा। मैं मतलब ज़्यादा फालतू चीज़ें नहीं दिखाऊंगा, मैं ओनली जो चीज़ें यहाँ पर की है परमानेंट वही चीज़ें दिखाऊंगा, ना कुछ फालतू बताएंगे वीडियो में। और देखो ये सीढ़ियाँ कैसी बनाई हुई है, बिल्कुल शानदार। और ये स्तंभ बनाए हुए हर मंदिर के बिल्कुल सामने ही। और ये है ऐसा है मंदिर, और हर मतलब मंदिर के सामने ही ये जूते चप्पलों का ये लगाया हुआ है लेमिनेशन किए हुए। और ये मंदिर ऐसे तो पता नहीं भाई कौन सा क्या है, पर मंदिर है। और इसकी छतें देख सकते हो पत्थर से बनाई हुई है, और अच्छी अच्छी कलाकारी की हुई है भाई, ठीक है। और मेन दरवाजा है भाई ये देखो मेन दरवाजा। और यहाँ पर एक प्रतिमा भी बनाई हुई है, माँ काली लग रही है शायद, यहाँ लिखा है माँ काली है भाई देख सकते हो। और ये था मेन गेट, इसकी दीवारें देखो आप। अब ये देखो ये बस रखे हुए है, ना कोई सीमेंट ना कुछ और, ओनली पत्थर। जैसे अभी राम मंदिर बन रहा है ना वैसे ही बिल्कुल सेम। और ऐसा था मंदिर। और ये कलाकार देखो आज से की हुई है, पहले के जमाने में ये ऐसी नहीं था, कोई मशीन से की है, अब बिल्कुल सब हाथ से होता है। और ये पत्थर देखना दोस्तों झुका हुआ है दोनों साइड, उस साइड भी इस साइड भी, और कैसे रुका हुआ है कैसे, यहाँ इसमें मतलब इनको काट के बनाया हुआ था इसलिए झुका हुआ है, ये काट के काट रखा भाई, हाँ दोनों साइड से, हाँ मतलब कुंडे से बना रखे है। और भी रह गया हमारा एक मंदिर, उसमें चलते हैं। फॉरेन आए हुए फोटो खिंचवा रहे हैं भाई हरियाणा वाले, कम नहीं रहते। और ये लास्ट मंदिर रह चुका हमारा। और ये देखो भाई सब मतलब सब कुछ रह चुका है, तो क्या करें, देखभाल नहीं होती अब। और कितना शानदार मंदिर है भाई साहब, पहाड़ों में घूमेंगे बाबा की दया है। ये देखो तो ऐसे ही
कुछ भी नहीं है भाई साहब, यहाँ मूर्तियाँ भी और भी कुछ भी, यहाँ बस कुछ लिखा हुआ इन पे। और ऐसा मंदिर भाई बाहर से, और ये देखो फॉरेन घूम रहे हैं यहाँ पर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक एंड शेयर। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। और वीडियो कैसी लगी और क्या वीडियो में चेंज करना चाहिए मुझे, और भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और जानकारी अधूरी रह जाती है ना, इसलिए ठीक है, मिलता हूँ आप बाद में।